आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात बताएं। क्या बोल रहा है, यदि किसी पुस्तक को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो सीपी और एसपी का रेशो बताना है। सीपी और एसपी का रेशो बता सकते हो, 20% की वैल्यू कितनी होती है सबको पता है ना, कितनी 1/5, 20 बटे कितना हो गया 100, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100 कितना हो गया 1/5। मुझे बताइए अगर सीपी ये 5 रुपए रहा होगा, सीपी 5 रुपए रहा होगा तो लाभ कितने का हो रहा, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 में 1 रुपए क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 6 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5 से 6, मतलब 5:6। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, 20% लाभ है, अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 20% लाभ हो रहा है तो कितना हो गया 120, इसको बांटेंगे तो 5:6 कितना आ जाएगा 6। पेपर में ऐसे क्वेश्चनों में पेन नहीं चलाना है, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग का यूज भी करना है भाई, प्रैक्टिस से आएगी वो चीजें, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए और क्वेश्चनों पे लगाते जाइए। जब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप नहीं करेंगे आप कोई भी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसलिए 5 साल के लेटेस्ट क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपके क्वेश्चन भी पूरे आपसे बनते चले जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निश्चित इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे आप, आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। क्या बोल रहा है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यदि एक सेब का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, ठीक है ना, तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बोल रहा है, एक सेब का जो लागत मूल्य है, एक सेब का जो है, क्या बोल रहा है, एक सेब का जो लागत मूल्य है, जो लागत मूल्य है वो विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का कितना है, विक्रय मूल्य का क्या बोल रहा है 80% है, क्लियर है, विक्रय मूल्य का कितना है 80% है, तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताओ। लागत मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 80% है, तो 80 बटे कितना हो गया 100 हो गया, इसको काट सकते हैं, 20 चौके 80 और 20 पंजे कितना हो गया 100 हो गया। अगर मैं विक्रय मूल्य को इसके नीचे ले आऊं तो लागत मूल्य बटे क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, लागत मूल्य बटे क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। मुझे बताओ ये 4 यहाँ पे रहा और ये कितना हो गया 5 हो गया कि नहीं, लागत मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 80% मतलब 4/5 है, विक्रय मूल्य को यहाँ लेंगे तो ये 4 हो जाएगा 5। मुझे बताइए अगर लागत मूल्य 4 रुपए है और विक्रय मूल्य 5 रुपए है तो इसको लाभ कितने का हुआ 1 रुपए का लाभ हुआ, कितने पे 4 पे, प्रतिशत पे कितना लगा देंगे 100, काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 25%, क्लियर है। क्वेश्चन बिल्कुल 0 से उठाए हैं और जो 2018 से लेके 2023 तक के पूरे क्वेश्चन है आप मिला के देख लेना, आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको हर सेट में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निश्चित इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। क्या बोल रहा है, 450 रुपए के लिए एक किताब बेचकर मैं 20 रुपए खो देता हूँ, 450 रुपए के लिए एक किताब बेचकर मैं 20 रुपए खो देता हूँ तो किस राशि के लिए मुझे 20% हासिल करने के लिए बेचना होगा। क्या बोल रहा है, वो 450 रुपए में क्या कर रहा है बेच रहा है, 450 रुपए में अगर क्या कर रहा है वो बेच रहा है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है पहले वाला कितना है 450 रुपए में बेचता है तो उसे कितना होता है 20% खो देता है, 20% खो देता है मतलब तो उसे क्या हो रही, हानि हो रही है, उसे 20% खो देता है मतलब 100 में से अगर 20% खो दिया तो उसे कितने परसेंट की हानि हो रही है टोटल। अब उसके पास जो रेट बचा है वो कितना बचा है 80% बचा है, कितना बचा है 80% बचा है। अब बोल रहा है वो किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हानि करने के लिए बेचना पड़ेगा, कितना 20% हासिल करने के लिए बेचना पड़ेगा, मतलब मुझे अब चीज जो 20% की हानि हो रही थी मुझे 20% का क्या चाहिए लाभ चाहिए, मतलब जो मुझे लाभ है वो मुझे कितना परसेंट होना चाहिए 100 प्लस कितने का होना चाहिए 20 मतलब 120% का। तो निश्चित सीधे सीधे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर 80% का मान, अगर 80% का मान मेरे पास कितना है 450 यूनिट है, अगर 80% का मान मेरे पास 450 यूनिट है तो 120% का मान में निकाल सकता हूँ, ठीक है निकाल देंगे तो 120 बटे कितना हो जाएगा 80 और लगा देंगे 450 काट देंगे 40 दुनी 80 और 40 ये कितना होगा 120 और 2 से इसको काट देंगे आप 2 दुनी 4 2 दुनी 4 और 2 पंजे 10 गुणा कर देंगे 225 में कितने का 3 का 3 5 15 के 5 हाथ का 1 3 2 6 और 1 7 और 3 2 कितना हो जाएगा 6। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो कितना
मतलब उस वस्तु को उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 675 रुपए में। देखो कई लोग क्या करेंगे, इसमें पहले क्रय मूल्य निकालेंगे कि भैया करेंगे 80% की वैल्यू इतनी है तो 400% की वैल्यू कितनी, अपने से क्रय मूल्य पूछा है कि नहीं, अपने से डायरेक्ट विक्रय मूल्य पूछा है, इसलिए आप सीधा 120% पे रखो। यहाँ पर फ्रैक्शन में क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि इसको करता मैं 4/5, फिर 5 की 4 की वैल्यू 5 की वैल्यू फिर मैं उसमें ऐड करता तो क्वेश्चन क्या हो जाता, बड़ा हो जाता। जब डायरेक्ट विक्रय मूल्य दिया है और डायरेक्ट विक्रय मूल्य पूछा है तो अपन डायरेक्ट ही निकालेंगे क्वेश्चन को, अपन वहां पर सीपी नहीं करेंगे, सीपी बोलता तो फिर सीपी का रेशो लेते। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। मतलब विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य कितना दिया है उसने, 800 रुपए दिया है, और उसे कितने की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है, उसे 20% की हानि हो रही है, उसे हानि कितने की हो रही है, हानि उसे कितने की हो रही है, 20% की, 20% की हानि, मतलब ये कितने का मान है, ये 80% का मान है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए, तो क्रय मूल्य पर कितना है, 25% का लाभ कमाने के लिए, अगर क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाएंगे तो मुझे बताओ विक्रय मूल्य क्या बन जाएगा, नया वाला 100 प्लस कितना हो जाएगा, 25, टोटल कितना हो जाएगा, 125। मैंने क्या बोला, यहाँ पर सीपी निकालने की जरूरत है क्या, सॉरी हाँ सीपी निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, अपन डायरेक्ट एसपी निकाल सकते हैं। तो अपने को पता है कि 80% का मान अगर मेरे को 800 रुपए दे के रखा है तो 125% का मान क्या हो जाएगा, तो 125 बटे कितना हो जाएगा, 80, और प्रतिशत का लगा, सॉरी यहाँ पर संख्या तो दी है, 80 काट देंगे एक बार, मुझे कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1250। तो जो नया विक्रय मूल्य है अगर उसको 25% का लाभ चाहिए तो उस वस्तु को उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 1250 रुपए में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा, जिससे कि उसका लाभ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो हानि हो रही है उससे वो बढ़ा के बेचेगा कि उसको कुछ फायदा होना चाहिए। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, कितने में, जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो उसे हानि कितने की होती है, उसे हानि मतलब 100% की चीज थी, कितने की हानि हो रही है, 29% की हानि हो रही है, तो घटा देंगे भैया तो 10 में से 9 गए कितने हो गए, 1, और 9 में से 2 गए कितने हो गए, 7, मतलब ये जो मान दिया है वो 71% का दिया है। तो बोल रहा है 21% का लाभ कमाने के लिए, तो 21% का लाभ कमाने के लिए मतलब जो उसको लाभ कितना चाहिए, 21% का चाहिए, तो मान लेते क्रय मूल्य अगर 100 रहा हो तो लाभ कितना चाहिए उसको, 21%, उस वस्तु कितने बेचना पड़ेगा, 121% में। तो निश्चित है कि 71% का मान अपने कितने देके रखा है, 355 रुपए, अगर 71% का मान 355 देके रखा है तो 121% का मान कितना हो जाएगा, क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, 121/71 × कितना जाएंगे, 355। निश्चित है पीछे 5 दिख रहा है तो यहाँ पे 5 से गुणा करके देख सकते हैं 355 आ रहा है, कि देखो 71 × 5, 5 × 5 और 5 × 7 = 35 आ रहा है, कितनी बार कट गया, ये 5 बार कट गया, 5 में गुणा कर देंगे, 5 × 5 और 5 × 10 = 1, 5 × 5 = कितने हो गए, 6, मतलब उस वस्तु को उसको कितने में बेचना पड़ेगा, उस वस्तु को उसको 605 रुपए में क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, जब उसे 21% का क्या होगा, लाभ होगा। तो निश्चित है इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, आइए आप नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, आइए तो इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अब फ्रैक्शन वैल्यू आएगी तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को देखिएगा क्या बोल रहा है। जब कोई वस्तु 480 रुपए में बेची जाती है तो 16 / 2/3% क्या होती है, हानि होती है, मतलब जो सीपी दिया है वो कितना दिया है आपको, 480 रुपए दिया है, और जो हानि हो रही है, जो हानि हो रही है वो कितनी हो रही है आपको, 16/2/3%, 16/2/3% का मान मैंने बताया था कितना होता है, 1/6 होता है, तो उसको हानि हो रही है, मतलब हानि हो रही है तो -1, मतलब यहाँ से कितने हो जाएगा, अगर 6 अगर सीपी रहा होगा तो एसपी कितना बन जाएगा उसका, 5 बन जाएगा, 1 रुपए की हानि हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। और 5/6 का मान कितना दे के रखा है, 480, तो निकाल सकते हैं कि 5/6 का मान अगर कितना दिया है, 480 दिया है।